नमस्कार दोस्तों, व्यक्ति डॉट इन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विवेक कुमार। मेरे पास है यहाँ पर हाईली में लॉन्च हुआ माइक्रोमैक्स का इन नोट वन और इन्फिनिक्स का हॉट 10। मैं यहाँ पर करने वाला हूँ दोनों फ़ोन का स्पीड टेस्ट कंपैरिजन। और सबसे पहले हम बात करेंगे दोनों फ़ोन के हार्डवेयर की। तो दोस्तों, हम आ गए यहाँ पर दोनों फ़ोन के अबाउट फोन सेक्शन में और सबसे पहले बात करते हैं यूआई की। तो देखिए, माइक्रोमैक्स का इन नोट वन जो है ये वर्क करता है यहाँ पर स्टॉक एंड्रॉयड पर, यानी कि कोई यूआई नहीं है। वहीं इन्फिनिक्स हॉट 10 वर्क करता है डॉल्फिन यूआई V7.0 पर। साथ ही बात करें यहाँ पर दोनों फ़ोन के एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो वहाँ पर कोई चेंज आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। दोनों ही फ़ोन में यहाँ पर एंड्रॉयड 10 आपको मिल जाएगा। साथ ही बात करें यहाँ पर प्रोसेसर की, तो देखिए माइक्रोमैक्स इन नोट वन में आपको मिलता है हीलियो का G85 ऑक्टा कोर प्रोसेसर। 12 नैनोमीटर पर ये वर्क करता है। इसकी दो कोर हैं 2 GHz कॉर्टेक्स A75 की और 6 कोर हैं 1.8 GHz कॉर्टेक्स A55 की। मान लीजिए G52 MC2 आपको मिलता है यहाँ पर GPU। वहीं बात करें इन्फिनिक्स हॉट 10 की, तो यहाँ पर आपको मिलता है हीलियो का ही G70 ऑक्टा कोर प्रोसेसर। ये भी 12 नैनोमीटर पर वर्क करता है। इसकी दो कोर हैं 2 GHz कॉर्टेक्स A75 की और 6 कोर हैं 1.7 GHz कॉर्टेक्स A55 की। GPU यहाँ भी वही है, माली G52 MC2 GPU यहाँ भी आपको मिल रहा है। रैम भी दोनों फ़ोन में सेम 4GB रैम वेरियंट वाले मेरे पास फ़ोन यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो हार्डवेयर में कोई ज़्यादा खास चेंज यहाँ पर नहीं है, सेम GPU है। अब यहाँ पर देखते हैं स्पीड में कितना डिफरेंस दोनों ही फ़ोन में आपको देखने के लिए मिलता है। तो स्पीड टेस्ट के लिए मैंने यहाँ पर डाउनलोड कर रखे हैं दोनों ही फ़ोन में जो कुछ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन। हम इनको प्ले करेंगे और देखेंगे कौन सा फ़ोन फास्ट परफॉर्मेंस दिखाता है। और पहले आपको दिखाता हूँ दोनों ही फ़ोन की रैम। आप देख सकते हैं क्लियर है, दोनों ही फ़ोन के बैकग्राउंड पर एक भी एप्लीकेशन नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं अपना स्पीड टेस्ट फर्स्ट एप्लीकेशन का और देखते हैं कैसा रिजल्ट आपको मिलता है। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर लॉन्च करे थे दोनों ही फ़ोन में ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन और आपने देखा यहाँ पर स्पीड में कोई खास डिफरेंस यहाँ पर नहीं है दोनों ही फ़ोन में। लेकिन मैं सोच रहा था थोड़ा सा यहाँ पर इन नोट वन फास्ट होगा, लेकिन कोई ज़्यादा खास रेस्पॉन्स यहाँ पर उसका नहीं है। बाकी यहाँ पर दोनों ही फ़ोन में लॉन्च कर लेते हैं कुछ नेटिव एप्लीकेशन। पहले देखते हैं रैम मैनेजमेंट का क्या हाल है। तो अभी तो दोनों ही फ़ोन के बैकग्राउंड पर एप्लीकेशन है। पहला एप्लीकेशन आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर दोनों ही फ़ोन पर है। तो अब यहाँ पर पहले कुछ और एप्लीकेशन लॉन्च करते हैं, तो नेटिव एप्लीकेशन की बारी। फ़ोन यहाँ पर ओपन कर लेते हैं दोनों ही फ़ोन का और ये यहाँ पर लोड हुआ है जल्दी नोट वन में। दूसरा एप्लीकेशन मैसेज दोनों ही फ़ोन में सेम टाइम में लोड हुआ है। तीसरा ओपन कर लेते हैं यहाँ पर दोनों ही फ़ोन का कैमरा। तो अब दोनों ही फ़ोन के बैकग्राउंड पर हो चुके हैं 12 एप्लीकेशन, यानी कि 9 थर्ड पार्टी और 3 नेटिव। और अब देखते हैं रैम मैनेजमेंट यहाँ पर कैसा है दोनों ही फ़ोन का और कितने एप्लीकेशन दोनों ही फ़ोन के बैकग्राउंड पर बचे हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट एप्लीकेशन से, जो कि हमारा यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे फर्स्ट 3 एप्लीकेशन यहाँ पर इन्फिनिक्स नोट 10 के बैकग्राउंड से हट चुके हैं। तो 3 रैम मैनेजमेंट यही वजह फेल हो गया रैम मैनेजमेंट में, क्योंकि एप्लीकेशन ही शो नहीं हो रहे। पॉप शूटर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे बना हुआ है नोट 10 के बैकग्राउंड पर।
और साथ ही नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारा यहाँ पर, देखते हैं इन्फिनिक्स नोट 10 में कौन सा है। तो ये है इन्फिनिक्स नोट 10 में बॉब्स वर्ल्ड, दोनों ही फ़ोन के बैकग्राउंड से ये हट चुका है। नेक्स्ट एप्लीकेशन चेक कर लेते हैं, नेक्स्ट एप्लीकेशन है यहाँ पर हमारा मॉडर्न सिटी, और आप देख पा रहे होंगे नोट 10 के बैकग्राउंड से ये हट चुका है, और इन्फिनिक्स नोट सॉरी माइक्रोमैक्स इन नोट 1 के बैकग्राउंड पर बना हुआ है। पॉप सॉरी क्रेजी यूजर ये भी यहाँ पर इन्फिनिक्स नोट 10 के बैकग्राउंड पर नहीं है। नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं कौन सा है हमारा, तो नेक्स्ट एप्लीकेशन है ये लैप्स बर्ड 2, और चेक कर लेते हैं लैप्स बर्ड 2 को भी कैसा रेस्पॉन्स यहाँ पर दोनों ही फ़ोन का। तो ये भी इन्फिनिक्स नोट 10 के बैकग्राउंड पर से हट चुका है, और माइक्रोमैक्स इन नोट 1 के बैकग्राउंड पर बना हुआ है। और नेक्स्ट एप्लीकेशन एमएक्स शेयर, चेक कर लेते हैं एमएक्स शेयर को और देखते हैं रिजल्ट। तो ये दोनों ही फ़ोन के बैकग्राउंड पर बना हुआ है। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पर 12 में से 3 एप्लीकेशन तो ऑटोमेटिक पहले हट चुके थे नोट 10 के बैकग्राउंड पर, और जो भी बचे हुए थे उसमें भी यहाँ पर काफ़ी एप्लीकेशन बैकग्राउंड पर नहीं थे, दोबारा से स्टार्ट हुए। यानी कि रैम मैनेजमेंट में यहाँ पर माइक्रोमैक्स नोट 10 बिल्कुल फेल है। स्पीड के मामले में कह सकते हैं दोनों ही फ़ोन बराबर है, लेकिन रैम मैनेजमेंट को अगर यहाँ पर जोड़ लिया जाए तो माइक्रोमैक्स इन नोट 1 बेटर है। तो ये था हमारा माइक्रोमैक्स इन नोट 1 और इन्फिनिक्स नोट 10 के बीच स्पीड टेस्ट कंपैरिजन। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।